अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन की रहबर कमेटी का मुतालबा तस्लीम करते हुए तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरन फंडिंग केस की हेयरिंग 26 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला कर लिया है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाने के लिए असरअंदाज होने की मजमूम कोशिश की शदीद मजम्मत करते हैं और अपने मौकफ पर डटे हैं कि दूसरों की तरह एहतसाब से राह फरार इख्तियार करने वाले नहीं। अब तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस की हेयरिंग्स भी रोजाना की बुनियाद पर सुनी जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने इसी हवाले से आज मीडिया टॉक की और वो कहते हुए नजर आए कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर मुख्तलिफ कानूनी हथकंडों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की है और साजिश के जरिए इस आजादाना काम करने से वो इसे रोकती रही है और गुज़िश्ता 5 सालों से फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो चल रहा है लेकिन इसे मुख्तलिफ हीले बहानों से अल्तवा में रखा गया है। हम सुनवा देते हैं एग्जैक्टली व्हाट डिड ही से टुडे ऑन दिस। आज ये मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में सबसे ज्यादा करप्शन की वो खुद मुर्तकब हुई है। इस हवाले से गुज़श्ता 5 सालों से केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है जिसको हीले बहाने से मुख्तलिफ कानूनी हथकंडों से इल्तवा का निशाना रखा गया और इलेक्शन कमीशन को कोशिश की गई कि आजादाना तौर पे उस पर फैसला करने से रोका जा सके। हकूमत एक मेथड के जरिए, हकूमत एक हिकमत अमली के जरिए, तहरीक इंसाफ एक सोची समझी साजिश के जरिए इलेक्शन कमीशन को आजादाना काम करने से रोकती रही है। इलेक्शन कमीशन पे ऑपोजिशन असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पर मुख्तलिफ कानूनी हथकंडों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की है। जैसे कि आपने भी एहसन इकबाल साहब की बात सुनी, नाज़रीन तहरीक इंसाफ के इस फॉरेन फंडिंग केस पे अगर बात की जाए तो 2014 से फाइल किए जाने वाले इस केस पर हुकूमत मुसलसल स्टे ले रही है और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिर तहरीक इंसाफ इस केस में ताखीर डिले क्यों चाह रही है। ये काफी अहम सवाल है और फिर इस केस का फैसला पार्टी के खिलाफ आने से तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, इसका भी हम आज अपने शो में जो है जायजा लेंगे और फिर कुछ दिन की खामोशी के बाद अपोजिशन की रहबर कमेटी एक बार फिर मुतहरिक नजर आ रही है। अक्रम दुरानी साहब का कहना है कि कल से JUIFA के तहत पूरे मुल्क में जलसे जुलूस और मुजाहरे किए जाएंगे। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क के हर एक शहर में एहतजाज भी होगा और जलसे जुलूस भी होंगे और तकरीबन ये शाम तक जारी रहेंगे। और नाज़रीन इसके अलावा आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने नजर आए। उन्होंने कहा कि आजादी मार्च और धरने के दौरान उन्हें चेयरमैन सेनेट और गवर्नर बलोचिस्तान हकूमत देने की ऑफर की गई लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी। ये ऑफर किसने दी? क्या हकूमती मुजाकराती कमेटी की जानिब से ये ऑफर दी गई या चौधरी बरादरान की जानिब से ये ऑफर दी गई और इस ऑफर देने का मकसद क्या था? हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे अपने शो में। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आर डिस्कशन, हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब निसार अहमद चीमा साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हम स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर गयान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने जैसे कि आज का रन डाउन देखा, अगर हम यहाँ पर हमें इजाजत दें तो हम निसार अहमद चीमा साहब आपसे अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले अगर हम आपको ये सुनवा दें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से आज क्या इंकशाफात हुए हैं। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन हियर। मुझे कितनी पेशकशें की गई हैं आपको पता नहीं है कि आपके लिए हम ये सीट खाली कर दें, आप डेर इस्मेर खान से मुंतखब होकर वापस आ जाएं, आपको हम बलोचिस्तान हुकूमत दे देते हैं, आपको सूबे के गवर्नरशिप दे देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट, सारी पेशकशें इस दौर में हुई है। हमने इसको हकीर समझा है? ये हमारी तौहीन है इस किस्म की बात है? हम तो सूरी लोग हैं, सियासत की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं।
जी निसार अहमद चीमा साहब, अभी आपने एग्जैक्ट उनके अपने अल्फाज सुने फजलुर रहमान साहब की जानिब से, जो आज एक इंकशाफात का एपिसोड सामने आता है उसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें ऑफर्स दी गई हैं, उन्हें गवर्नर बलूचिस्तान की ऑफर आई है, सेनेट चेयरमैन के ओहदों की ऑफर दी गई है, यहां तक भी उन्होंने कहा है कि उन्हें डीआई खान से मुंतखब होकर वापस पार्लियामेंट में आने की पेशकश भी की गई है। तो ये बताइएगा कि क्या रहबर कमेटी को भी इल्म था इन ऑफर्स का, इन ओहदों की ऑफर्स का जो कि मौलाना साहब को पेश की गई? लेकिन इल्म ये तो मुझे पता नहीं है कि रहबर कमेटी के इल्म में था या नहीं था, लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे यकीन मौलाना से मिलते रहे हैं और मौलाना ने जो कुछ फरमाया है उस पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। वो एक आलमे दीन हैं, बहुत बड़े कायद हैं, लीडर हैं, और जो कुछ उन्होंने कहा है वो बिल्कुल काबिल फहम है इस लिहाज से कि हुकूमत की तो देखें जो बैसाखियों के सारे आई है उसकी तो टांगें कांप रही थी। जब ये आज़ादी मार्च वहाँ इस्लामाबाद पहुँचा तो उनके तो बिल्कुल हाथ पाँव फूले हुए थे हुकूमत के, तो इस वजह से यह है कि वो तो कोई भी पेशकश करने के लिए तैयार थे कि आप वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा ना मांगें, बाकी ये है कि जो भी आप कहते हैं हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बस ये है कि तैयार हैं, सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा ना मांगें और नए इंतखाबात का मुतालबा ना करें। इससे कम जो है हम ये है कि सब कुछ हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं। तो हकीकत यह है कि मौलाना ने ये सारी पेशकशें जो हैं ठुकरा कर एक बासूल एक लीडर होने का सबूत दिया एक बार फिर, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है। और दूसरा तो उन्होंने जो है ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी या ये जो ऑफर्स थी ये सिर्फ मौलाना साहब के लिए थी, JUIF के लिए थी, पूरी रहबर कमेटी को अप्रोच नहीं किया गया था इस सिलसिले में। हम यहाँ पर सेनेटर ज्ञानचंद साहब का भी व्यू लेंगे इसी मामले को लेकर। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, ये जो सवाल अभी हमने उठाया है, आज जो मौलाना साहब ने इंकशाफात किए हैं उसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें डीआई खान से इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में वापस आने की भी पेशकश की गई, गवर्नर बलूचिस्तान और फिर सेनेट चेयरमैन की भी पेशकश की गई। तो क्या ये ऑन बोर्ड थी रहबर कमेटी इन तमाम मामलात में, या सिर्फ वन ऑन वन ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को पेशकश की गई थी? मैंने जो भी ऑफर्स उन्होंने की वो मैंने रद्द कर दी, तो हो सकता है कि रेबर कमेटी की तरफ भी ये मामला गए हों, क्योंकि रेबर कमेटी भी मौलाना के धरने और उसके पीछे मुतालबात को सपोर्ट कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि रेबर कमेटी के इलम में लाया गया होगा, मैं उस पर कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसकी बुनियादें जो हिलने वाली बात कर रहे हैं वो यकीनन इस धरने के बाद की जो सूरत हाल है वो जरा मुख्तलिफ है। इमरान खान को पता चल गया है, लेकिन ज्ञानचंद साहब, हमने ये जरूर देखा था कि बिलावल साहब जो है वो शिकवा करते हुए जरूर नजर आए थे। उन्होंने कहा था ना हमें प्लान बी का बताया गया है, ना प्लान सी का बताया गया, और ना ही हमें बताया गया है कि काफ लीग से क्या मामलात जो है वो तय पाए हैं या मामलात या डिस्कशन हुई है। ये शिकवा तो आया था बिलावल साहब की जानिब से। देखिए, जब उन्होंने धरना देने की बात की तो भी बिलावल साहब ने कहा हम इसके पार्ट्स नहीं है। फिर लॉकडाउन करने और रोड्स ब्लॉक करने की बात हुई तो भी बिलावल साहब ने कहा था कि भी हम इसके पार्ट्स ना बन सकते हैं ना इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यकीनन जो इनके ये जो फैसले थे और इन फैसलों के पीछे क्या हकीकत थी वो हो सकता है बिलावल साहब ने जब कहा है तो यकीनन उनको पता नहीं होगा। मौलाना साहब ने बताया नहीं बताया, नहीं बताया तो क्यों बताया, क्यों नहीं बताया, ये सब चीजें हैं। ऑलराइट, हम यहाँ पर हुकूमत का पर्सपेक्टिव भी लेंगे। यहाँ पर अगर हमें शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन कर लिया हो तो शौकत बसरा साहब ये बताइएगा कि ये जो मौलाना साहब हमें आज बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको ऑफर दर ऑफर जो दी गई है, चाहे वो गवर्नर बलूचिस्तान का डेजिग्नेशन हो या सेनेट चेयरमैन का, और या उनको ऑफर दी गई कि डीआई खान के थ्रू जो इलेक्ट होकर आप वापस पार्लियामेंट में आपका कमबैक करवा देते हैं, तो ये ऑफर्स क्या हुकूमती मुजाकराती कमेटी की जानिब से दी गई है या चौधरी ब्रादरांस की जानिब से दी गई है? ये क्या वन ऑन वन इसको समझा जाए कम्युनिकेशन को, किसकी जानिब से ये ओहदों की ऑफर दी गई? नीलम, ये वो मासूम ख्वाहिश है मौलाना साहब की जो उनके लबों पे आ गई है, क्योंकि मौलाना साहब का प्रॉब्लम ही ये है कि उनको ओहदा चाहिए, उनको मिनिस्टर इनक्लेव में घर चाहिए, उनको सरकारी गाड़ियां चाहिए। तो कितने हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये बिल्कुल उसी तरह सच्ची है जिस तरह निसार चीमा साहब को इल्हाम हो गया या आप बैठे बैठे उन्होंने भी फरमाया, मैं सुन रहा था उनका, बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसमें हम यकीन ना कर सके, बिल्कुल सच है। यूं लग रहा था जैसे बिल्कुल उस
طرح سچ ہے جس طرح میاں صاحب بیمار ہو کر پتلی گلی سے نکل گئے ہیں. میں دیکھنا آپ اندازہ یہ کریں کہ ان یہ نہ میٹنگ میں موجود نہ ریفر کمیٹی کے ممبر, اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے نیلم. اور دوسری بات دیکھیں, میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جتنے رسوا ہو کر جتنے ان کی محل میں توہین ہوئی ہے لوگوں کی کہ بھار موتی کا کنبہ ایک کنٹینر کے اوپر اکٹھا ہوا ہوا تھا, کہیں چیٹ کہیں کا روڑا تھا, نو جماعتیں اکٹھی ہوئی, وہ بلیک میلنگ, یہ وہی ٹولہ ہے جو ہمیشہ. لیکن شوکت مسرا صاحب, یہاں پر جو مولانا صاحب نے آج ایک اور بات کی اپنے جو میڈیا ٹاک تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر اپنی اگلے ماہ جو ریٹائرمنٹ ان کی ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے فیصلہ دیں اور یا پھر ان کو ایکسٹینشن دی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, اس کیس کی پوری ہسٹری ان کے سامنے ہے, ضروری ہے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ یا ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آئے اور یا پھر ان کے عہدے میں جو ایکسٹینشن ان کو دے دی جائے. تو کیا آپ اس کو انڈر کنسیڈریشن لائیں گے؟ ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہم یہاں پر نثار احمد چیمہ صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں, یہی سوال ہم آپ کی جانب لے آتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب نے آج ایک طرح سے ایک کنڈیشن رکھ دی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے دیا جائے, وہ ایک ماہ میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ڈسمبر 5 تک, اور یا ان کو ایکسٹینشن دی جائے. نیلم جی بالکل بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے, لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ شوکت بسرا صاحب فرما رہے تھے کہ بڑی رسوائی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اصل میں عزت افزائی اور رسوائی کے ان کے معیار ہی مختلف ہیں. ساری قوم ان کو گالیاں دے رہی ہے لیکن ان کے خیال میں ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. پوری قوم جو ہے وہ جب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھی لیکن ان کے خیال میں ان کی بڑی رسوائی ہو رہی تھی. سو رسوائی اور عزت افزائی کے ان کے معیار ہی الگ ہیں, تذلیل اور عزت کے ان کے معیار بالکل مختلف ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کے معیار ہیں وہ ان کو مبارک ہوں, ان کے نزدیک جو ہے وہ ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے کہ پوری قوم ان کو برا بلا کہہ رہی ہے اور ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ اس پہ خوش ہیں, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا, یہ ان کا حال ہے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ ایسا کیس ہے, اس کا تو وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے آزادی مارچ سے یہ جب مختلف قائدین ایڈریس کرتے ہیں تو وہاں اس کا بھی ذکر ہوتا رہا. یہ بڑا اہم کیس ہے دو وجوہات کی بنا پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے خلاف کیس ہے جو پوری قوم کو پورے تمام قائدین کو چور ڈاکو کہتے رہے, کرپشن کے الزامات لگاتے رہے بے بنیاد. آپ کو یاد ہے کہ 126 دن کے دھرنے کے دوران بھی انہوں نے اس طرح کے بے بنیاد الزامات اور گالم گلوچ کی انتہا کر دی. دوسرا جو ہے یہ کہ ان کے خلاف کیس ہے, جو مطلب یہ ہے کہ اپنے یہ پتہ نہیں کوئی نفسیاتی پہلو تھا, نفسیاتی اس کا پس منظر تھا کہ چونکہ خود گلٹی تھے, خود یہ ہے کہ گلٹی کانشس تھے, خود یہ ہے کہ چونکہ چور کرپشن میں ملوث تھے تو سب کو یہ ہے کہ وہ کرپٹ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں نیلم جو اصل بات یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے خلاف کی طرف سے یہ کیس دائر کیا گیا ہے جو گھر کے بیدی ہیں, یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ کیس دائر کیا گیا. ان کے فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ جو ہے بالکل یہ ان لوگوں کی طرف سے دائر کیا گیا جو تاریخ میں سینیٹر گیان چند صاحب کا بھی ویو لوں گی اسی پر کہ اب جو معاملات نظر آ رہے ہیں وہاں پر تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور آپ کی جو پیپلز پارٹی ہے ان کے خلاف جو کیسز کی سماعت ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی گراؤنڈز پر جو ہیں وہ ہیئرنگز کی جائیں. تو اب سوالات یہاں پہ یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان فیصلوں سے آگے جا کر حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف بیان چند صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف جو انہوں نے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے اس کی خود جو ان کے جو کمپلینٹ ہے وہ پیروی نہیں کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کو ہوگا, کیونکہ ان کی فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں ہی نہیں, کوئی ثبوت نہیں لائے ہیں. پی ٹی آئی کیوں اس پہ پریشان ہے کہ اس کی روزانہ کے بنیاد پہ اگر ہیئرنگ ہوگی تو ان کو کیا نقصان ہونا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں کیا, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے وہ آڈٹ کیے ہوئے سب ڈاکیومنٹس دے دیے, ہم نے کوئی کرپشن نہیں کیا, ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا, ہم نے کوئی مکاری اور دھوکے بازی نہیں کیا, تو پھر ان کو پریشانی کیا ہے؟ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ہر بات جو بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں.
ये कौम को धोखा दे रहे हैं, आप कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इसलिए ये परेशान है कि हमारे जो भी फंडिंग हुई है उस फंडिंग के लिए तो मुख्तलिफ जराए जो है वो आ चुके हैं, और यहाँ के स्टेट बैंक ने साबित करके रखा हुआ है कि जो इन्होंने अकाउंट्स शो किए हैं वो कोई 5-8 अकाउंट्स हैं, जबकि 16-17 बाकी अकाउंट्स जो है उनका कोई तफसीलात जो है इन्होंने अपने जो स्टेटमेंट्स जमा किए उसमें नहीं दिए हैं। तो इनके ऊपर इनको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन यकीनन जो है इनके खिलाफ फैसला आना है, तो ये उस वजह से परेशान है। और मैं समझता हूँ जो इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान सिंध पूछ लेते हैं, हम यहाँ पर हुकूमत का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। यहाँ पर शौकत बसरा साहब क्या फरमाइएगा कि अब ये जो हालात नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तहरीके इंसाफ ने भी मुतालबा कर दिया इलेक्शन कमीशन से कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केसेस हैं वो भी डेली ग्राउंड्स पर उसकी हेयरिंग्स जो है वो की जाएं। दूसरी जानेब रहबर कमेटी ने भी मुझे मुतालबा किया है, वो इलेक्शन कमीशन ने जो है मान लिया है और आप पार्टी के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग है उसकी हेयरिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो अगर ये पार्टी फंडिंग केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो इसके ये हुकूमत के ऊपर किस तरह से इसका जो है इम्पैक्ट आएगा? मैंने पहली बात तो मैं माफी चाहता हूँ, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी आपसे भी और आपके नाजरीन से भी। अच्छा गुजारिश ये है, मैं सिर्फ एक बात करके आगे बढ़ता हूँ। तो सो मौलाना साहब लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि मुझे किसने ऑफर की है, कौन मुझे बनाना चाहता है। सो इनकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, ये NRO चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें माफीनामे मिल जाए, बारियां पूरी हों, हम इनके पार्टनर बन जाए। ये जो वो ये भी कह रहे हैं, आपने सिंस आप मौलाना साहब पे गए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि वजीर आजम का या रेजिग्नेशन चाहिए और या 3 माह में इलेक्शन कराए जाए। नीलम आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत तजुर्बाकार, माशाल्लाह आपका सहाफी फील्ड में बहुत टाइम हो गया है, वैसे भी माशाल्लाह यू वेल सेंसिबल। मुझे ये बताइए आपको याद नहीं है ये क्या कह रहे थे, 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दो वरना गिरफ्तार कर लेंगे, इदारे भी अपने बताएं कि उनकी क्या हैसियत है। तो क्या स्थिति और क्या स्थिति का शोरबा छोड़े, दलदल ये करप्शन में डूबे हुए हैं, लूटमार में, कमीशनों में, इन विचारों को तो अपनी सियासत की पड़ी हुई है। अच्छा चले आगे चलते हैं, बरला आप देखते गए उनके साथ अभी आने वाले दिनों में और क्या क्या होना है। अच्छा अब गुजारिश ये है कि फॉरन फंडिंग केस मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने उसमें टिकअप किया है, अगर वो हमारा केस लगा हुआ है इंशाल्लाह हम उसमें अपीयर होंगे। हम कभी इधारों से नहीं भागे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये आप भी इधर हैं हम भी इधर हैं, ये इनकी मासूम फिर वही कह रहा हूँ ये वही मासूम ख्वाहिशें हैं। जिस दिन आपको याद होगा भी हमने हलफ उठाया था, इन्होंने कहा था पार्लियामेंट में नहीं जाना, यहाँ पे हलफ नहीं लेना, ये यहाँ पर हम लोग इसको मानते नहीं है, इलेक्शन को नहीं मानते हैं। इनसे ये पूछे कि अभी भी ये तो वो लोग हैं जो जब इन हक में फैसले आ जाते हैं नीलम आपको सच की सजा हो जाती है। हम यहाँ पर क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के आईन में इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से क्या वजाहत दी गई है। वी वुड लाइक टू हैव सम डिस्कशन ऑन दैट एज वेल, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो इंकशाफात मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से किए गए हैं, जो ओहदे उनको ऑफर किए गए जिसके बारे में उन्होंने बताया कि बलोचिस्तान के गवर्नर का ओहदा और फिर सैनेट चेयरमैन का ओहदा, और फिर ये भी उनको पेशकश की गई कि वो DI खान से इलेक्ट होकर वापस पार्लियामेंट में आ जाएं। साथ साथ हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरन फंडिंग केस है उसके हवाले से जो राहबर कमेटी है उसका मुतालबा इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है और अब डेली ग्राउंड पर जो है हेयरिंग स्टार्ट होगी। साथ साथ तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन से यही मुतालबा किया है कि जुनून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं उनकी भी हेयरिंग्स डेली ग्राउंड्स पर की जाएं। अब सवालात यहां पर ये उठाए जा रहे हैं कि अगर इन फैसलों से ये फैसले जब आगे जाकर सामने आते हैं तो क्या सियासी हालात जो है वो रुख इख्तियार करते नजर आएंगे। अगर पार्टी फंडिंग केस का फैसला तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ आता है तो फिर क्या हुकूमत के साथ पार्टी भी खत्म होगी और फिर इलेक्शन के आईन में इस हवाले से क्या वजाहत दी गई है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि ऑपोजिशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई है, जबकि दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब जो है वो यही बात हुकूमत के हवाले से कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, निसार अहमद चीमा साहब आपने अभी हुकूमत का पर्सपेक्टिव सुना, लेकिन हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके आईन में इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से कि अगर कोई भी सियासी जमात फॉरेन फंडिंग लेती है तो उसके हवाले से क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बताए गए हैं।
लेकिन इलम इलेक्शन कमीशन के कवानीन के तहत फॉरन बाहर से ये फंडिंग जो है वो किसी पार्टी को अगर मिलती है तो ये एक जुर्म है, और बिल्कुल ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की हैं उनसे अगर आप कोई को फंडिंग इस तरह लेते हैं तो उसका जो इसकी स्पिरिट है वो ये है कि अगर गैर मुल्कियों से आप को फंडिंग हासिल करेंगे तो नेचुरली उनके आप मरहून मन्नत होंगे और उनके जो मफादात हैं उनका आप ख्याल रखेंगे, अपने वतन के मफादात की बजाय उनके मफादात का ख्याल रखेंगे जिनसे आप पैसे लेते हैं। तो अब यह है कि ये बड़ा चूंकि उसको जुर्म करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन के कवानीन के तहत, और अगर ये साबित होता है तो ये पूरी पार्टी मुजरम ठहरेगी। ये तो देखना इल्ज़ाम लगाते थे फलां फर्द जो है फलां मुजरम है फलां मुजरम, ये तो सारा टब्बर सारी पार्टी मुजरम गर्दानी जाएगी, सारा सारी पार्टी चोर गर्दानी जाएगी और इन प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे, और ये बड़ा एक इसके लॉन्ग टर्म इसकी इम्प्लीकेशन होंगी और इसके कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो ये है कि ये इनके इस पार्टी के लिए तो मैं समझता हूँ के इंतहाई ये मौलिक साबित होंगे। हाँ, मुल्क और कौम के हक में होंगे, मुल्क और कौम से कौम की इनसे जान छूटेगी इस तरह के मुजरमों से। और लेकिन एक बात है कि हमारे दोस्त जो है शौकत बसरा साहब उनकी सेहत पे असर नहीं होगा, वो जंप लगाएंगे और हमारी सफों में आ जाएंगे। हम पूछ लेते हैं यहाँ पर सेनेटर ज्ञानचंद साहब, ये जो अब मामलात नजर आ रहे हैं, आज एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने जो 23 अकाउंट्स थे वो डिक्लेयर नहीं किए, और अगर तमाम अकाउंट्स ठीक हैं तो फिर हेयरिंग को खुफिया रखने के लिए दरख्वास्त क्यों दी गई है? तो इस मामले को किस तरह से देखा जाए, इस केस में क्या एक्सपेक्टेड किया जा सकता है? तहरीक इंसाफ मुसलसल 5 साल से इस केस पर स्टे भी लिए हुए है। देखिए पीटीआई, पहली बात तो यह है कि पीटीआई पहले ट्रांसपेरेंसी की बात करती थी, फिर अपने अकाउंट्स को ये खुफिया क्यों रखना चाहती है, क्या कौन सी चीजें हैं जो ये कौम से छुपाना चाहती है और कौम से, क्योंकि ये झूठ बोलते रहे। दूसरी बात यह है कि जो केस जब से चल रहा है तो स्टेज पे स्टेज दे रहे हैं और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेने पर इनका जोर क्यों है। तीसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको कंप्लीट करने इन्होंने क्यों नहीं दिया, इसके पीछे भी इनके क्या मकासद हैं, और अगर अपॉइंटमेंट की तो अपने ही जो है वो क्रोनीस को क्यों सदर से वो नोटिफाई कराया जो 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 ओथ ना ले सके। इस किस्म के इलीगल काम करने के पीछे ये महसूस होता है कि पीटीआई के जो फंडिंग केस है उसमें ये बुरी तरह से फंसे हुए, इनको कोई उम्मीद नहीं है कि इनके हक में फैसला आएगा क्योंकि सबूत काफी मौजूद हैं जिनके बुनियाद पे इनके खिलाफ फैसला आना है, और फैसले आने के बाद जब एक जमायत जो है बजात खुद उसकी अहलियत पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जो है उसका चलना भी मुमकिन नहीं रहेगा। जो आज पूछ लेते हैं कि ये यहाँ पर शौकत बसरा साहब, जैसा कि अभी आपने कॉन्सिक्वेंसेस भी सुनी और क्या इसके जो है इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, अब ये पीटीआई के मेंबर अकबर एस बाबर साहब की जानिब से जो है ये फाइल किया गया है केस, ये नून लीग या पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं, और उसमें अकबर एस बाबर कह रहे हैं कि जो रकम फॉरेन कंट्री से आती थी उसे इलेक्शन कमीशन में जो सालाना ऑडिट रिपोर्ट है वो उसमें पोशीदा रखा गया है उस तमाम ऑडिट को, तो ये क्यों, और फिर दूसरा तहरीक इंसाफ क्यों इस पर स्टे ऑर्डर लिए हुए पिछले 5 साल से, और फिर वो इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो उसको भी जो है खुफिया क्यों रखना चाह रही है? अच्छा मुझे, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा उसके बाद आगे निकलता हूँ। देखिए अभी भी इन्होंने जितनी गुफ्तगू की है ना वो सारी ख्वाहिशात और ख्वाबों में मबनी है, ये फॉरेन फंडिंग का केस लगेगा, ये फिर वो पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर नए इलेक्शन होंगे, यानी कि पंजाबी के अंदर दिल्ली में छिछड़े का ख्वाब। इन बेचारों को सिवाय इकतदार के ये जहनी तौर पर अपाहज लोग हैं, क्योंकि इनका इकतदार में ये सिर्फ इसलिए आते हैं कि पाकिस्तान को गरीब से गरीब तर्क कर दें, पाकिस्तान को 32,000 अरब के कर्जों में डबो दें, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज कर दें, इदारों को तबाह बर्बाद कर दें, यहाँ पर इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दें, पूरे मुल्क को गिरवी रखकर कर्जे लें, और खुद आज देखें कहाँ बैठा ये टप्पर सारे का सारा अमीर से अमीर तर हो जाए, फिर दोबारा ये वारदात डालना चाहते हैं, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जहां तक आपने बात कही केस की, देखिए गुजारिश ये है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये जो एक पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद पता नहीं क्या इस केस के अंदर मौजूद है, कौन से भारत से और पता नहीं कहां कहां से फंडिंग आ गई है, चले अच्छा होगा, सारा सब बातें सामने आ जाएंगी। आपने कहा स्टे के लिए, देखें ये अकबर एस बाबर है, थोड़ा सा जरा नीलम बात को ध्यान में रखिएगा, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है डे वन से, और वो किन के हाथों में खेल रहे हैं, इन लोगों के हाथ में जो हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए लोग
इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए ये जजों की वीडियोस बना लेते हैं जब इनका वो कहना नहीं मानता, ये पुराने भारतवासी हैं, मतलब पीयूम की टेप भी आपको याद होगी। सो हालांकि भारत की अगर जब बात आती है तो मम्मी तो पीपल्स पार्टी ने ये बताया था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, बिलावल साहब और गद्दारी साहब नारे लगाते थे और मोदी इनकी शादियों में शरीक होता था और यारी थी जाती दोस्ती, इन्होंने जीती कारगिल की जंग हार दी, इसलिए ये भारत वाली बातें या दूसरों की हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह हम एक एक चीज का हिसाब देंगे। और हाँ अभी आप देखें ना, अब इनके केस भी लगे हुए हैं हम, अच्छा आप और बड़ी इंपॉर्टेंट बात नीलम, जब फैसले इनके हक में आ जाते हैं ना आपको सच की फतह हो जाती है, जब फैसले इनके हक में नहीं आएगा ना ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे, 5 बोगस के मारे जज होंगे, ये कौन होते हैं जज हमारा फैसला करने वाले, हम इनके बच्चों को मार देंगे, इबरत का निशान बना देंगे, इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च हो जाता है। हम क्विकली रिस्पॉन्स ले लें फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। निसार अहमद चीमा साहब आप रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। देखिए नीलम बात ये है कि इसमें फिर मैं कहूंगा कि इसलिए ये केस बहुत सिग्निफिकेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली बात ये है कि ये किसी अपोजिशन के किसी लीडर ने, अपोजिशन की किसी जमात ने ये केस दायर नहीं किया, ये इल्ज़ाम जो है इनके घर के भेदी ने इनके ऊपर लगाया है और तमाम तर सबूत लेके वो आया इलेक्शन कमीशन में, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर ये बेगुनाह हैं, इनके हाथ साफ हैं, तो क्यों बार बार ये इल्तवा की दरख्वास्तें करते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्यों इनके वकील बार बार तारीखें लेते हैं। तीसरी बात यह है कि क्यों इस पर मुसर हैं कि इसको कॉन्फिडेंट, इसको प्राइवेट रखा जाए, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए, इसको ओपन कोर्ट में ना सुना जाए, इसको ये खुफिया रखा जाए। अगर इनके हाथ साफ हैं, दामन साफ है, तो क्यों इस पे मुसर है कि इसको खुफिया रखा जाए, इसको ओपन कोर्ट में ना सुना जाए। और ये यहां पर ऑलराइट, यहां पर ठीक सेनेटर ज्ञानचंद साहब, क्या यहाँ पर रहबर कमेटी एज अ होल, ये जो आज मौलाना साहब ने डिमांड की है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या तो वही फैसला सुनाए इस केस का अपनी रिटायरमेंट से पहले और या फिर उनको एक्सटेंशन दी जाए, तो क्या रहबर कमेटी भी इस इसको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी इस मुतालबे को? सेनेटर साहब से हमारा रابطہ नहीं है। यहाँ पर शौकत बसरा साहब हम मूविंग ऑन आगे की जानिब बढ़ेंगे और आज जो एक और बड़ी खबर सामने आती है वो नेपरा की जानिब से बिजली की प्राइस में दोबारा से एक दफा फिर इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया गया है और अब इस नोटिफिकेशन के बाद बिजली की फी यूनिट कीमत में 1.82 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की प्राइस में इजाफा सितंबर के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी मद में किया गया है। तो अब ये बताइएगा कि ये एक दफा से फिर प्राइस हाइक है बिजली के हवाले से, तो ये जो बिजली सार्फीन है उनको दिसंबर के बिल्स में अब एक दफा फिर इजाफी अमाउंट जो है ये पे करनी पड़ेगी। ये आपने जो पॉइंट उठाया है हुकूमत के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि महंगाई है, इसकी वजह से जाहिर है आवाम की जिंदगी में मसाइल आते हैं, परेशानियां आती हैं, टेंशन बढ़ती है और इस चीजों पे हमारी हुकूमत का बहुत बड़ा कंसर्न है और जाहिर है हम हुकूमत है, हम जवाब दे रहे हैं। इश्यूज ये है नीलम कि गुज़श्ता 70 साल से जो भी हुकूमतें खाली आमरियत की या ये दोनों पार्टियों ने बारी लगाई हुई थी, कभी तेरी बारी कभी मेरी बारी, इन्होंने खा वो सुई गैस हो खा LNG हो खा ये बिजली का जो कर्जे ले लेके बिजली का अपनाए गए, वहां पर इतनी महंगी बिजली प्रोड्यूस हो रही थी जिसकी वजह से हमें मजबूरन ये एकदम उठाना पड़ रहे हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद कहूँ कोई इफेंट बट नहीं है, हमें थोड़ा सा मौका चाहिए, हम चीजों को इंशाल्लाह इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, इशारे बिजनेस के इशारे बेहतर नजर आ रहे हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर आप देखिए कल हमारी 2 दिन पहले हमारी मीटिंग थी पीएम साहब के साथ, पीएम साहब का मेन कंसर्न इस बात के है कि हमने आवाम को किस तरह रिलीफ देना है, आवाम की परेशानियों में कमी करनी है क्योंकि लोगों ने एक माफिया के खिलाफ हमें वोट किया है। यहाँ पर हम निसार अहमद चीमा साहब आपकी जानिब इस सवाल को लेकर आएंगे। अभी जैसे कि नेपरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें एक बार फिर 1.82 रुपए जो इजाफा हो गया पर यूनिट, लेकिन साथ साथ नेपरा ने जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलीज की है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हवाले से और उसमें जो टाइम फ्रेम बताया गया है, मैं इस हवाले से ये सवाल आपकी जानिब लेकर आ रही हूँ कि इस नेपरा की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो चारों जेनकोस थे वो ज्यादातर बंद रहे
जिस टाइम में उनको प्रोडक्शन करनी थी, लेकिन वो ज्यादातर वो चारों जेंकोज जो है वो बंद रहते हैं, जिसकी वजह से 64 बिलियन रुपीज का जो है लॉस होता है। और इस इसके साथ साथ 9.3 बिलियन यूनिट्स जो बिजली के थे वो भी पैदा नहीं हो सके, उनकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो सकी। साथ साथ ये भी कहा गया है कि 2017 से 18 तक जो NTDC और के इलेक्ट्रिक के लाइन लॉसेस थे वो 525% जो है ज्यादा हुए, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की जानिब से कोई उसमें इंप्रूवमेंट्स नहीं लाई गई थी। फिर इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो प्रोडक्शन कंपनीज थी 2016 से 2018 तक, ये आपकी हुकूमत का टाइम फ्रेम है, उसमें इन प्रोडक्शन कंपनीज ने अपनी जो कैपेसिटी थी प्रोडक्शन की वो पूरी नहीं की, अपने गोल्स अचीव नहीं किए, जिसकी वजह से जो 4 बिलियन रुपए का लॉस जो है वो होता है इकोनॉमी को। तो अब ये जो नेप्रा की रिपोर्ट आई है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन कंपनीज की, टाइम फ्रेम आपका है, क्या फरमाइएगा, क्यों नहीं आपकी हुकूमत में, आपके हुकूमत के टाइम में काम किया गया इन हवालों को लेकर? देखिए नीलम, ये नेप्रा एक सरकारी अदारा है, वो हों PTI के कोई तर्जुमान हों, PTI के कोई वजीर हों, उनका मौकफ जो है वो तो एक ही है, और वो तो सारी अपनी नालियों का मलबा जो पिछली हुकूमतों पर डालते हैं। सवाल यह है कि अब जो प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये इनकी क्या नाली और बदइंतजामी नहीं है? और दूसरी बात यह कि पिछले सवा साल में जो इन्होंने आवाम का हशर कर दिया है, एक तसलसल के साथ, एक तवातर के साथ महंगाई के जो बम गिराए हैं, इनको पता नहीं कब तक ये इनको अब, यानी इसके बावजूद इनको चैन नहीं आ रहा, कोई करार नहीं आ रहा, इन्होंने आवाम की चीखें निकाल दी हैं, जिस तरह इन्होंने वादा किया था, अब क्या जान भी निकालना चाहते हैं? ये आवाम का क्या असर करना चाहते हैं? मैं तो कई बार पूछ चुका हूँ कि कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, ये क्या कोई, देयर मस्ट बी अ लिमिट टू इट, ये कोई इनको कोई। और इसके बाद जो आवाम जो इनके बारे में जो गुफ्तगू करेंगे, जो इस तरह इनको गालियां देंगे, आवाम जो है इनको बुरा भला कहेंगे, शौकत बसरा साहब जैसे हमारे जो दोस्त हैं उनकी नज़र में ये है कि PTI की बड़ी इज़्ज़त अफजाई होगी, क्योंकि इनके नज़दीक रसवाई और इज़्ज़त अफजाई के मैार ही डिफरेंट है। आवाम पूरी जो है, आवाम की मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि पूरी कौम की जुबान पर दो दुआएं हैं, एक दुआ यह कि या अल्लाह कश्मीर को आजाद कर, और दूसरी दुआ यह कि या अल्लाह इस नायल और जालिम हुकूमत से निजात दिला। और मेरा ख्याल है कि फॉरेन फंडिंग केस के का अगर नतीजा इंशाल्लाह जो बैरेट पे आएगा, तो मेरा ख्याल है कि इस नायल और जालिम हुकूमत से निजात हासिल हो जाएगी। कौम की यह दुआ तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी कबूल होने वाली है। मैं इससे पहले कि हुकूमत की जानिब जाऊं इस मामले को लेकर, हम सेनेटर साहब आपको इंक्लूड कर लें गुफ्तगू में। यहां पर जो हमने नेप्रा का नया नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जिसमें कि एक बार फिर प्राइस हाइक बताई गई है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और फिर जो हमने अभी नेप्रा की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सामने रखी है, जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की उन्होंने जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी है, इसके साथ साथ जो बिजली की ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, उन्होंने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मद में जो 11 अरब रुपए था वो फ्यूल कॉस्ट की मद में 3.5 बिलियन रुपीस वो यूटिलाइज करते हैं, और फिर मेंटेनेंस चार्जेस की मद में 3.459 जो अरब रुपए है वो वसूल करती है। तो फिर ये नेप्रा से इजाजत तलब जब की जाती है, जो मंजूर होने पर अब जो बोझ डाला जा रहा है वो एक कंज्यूमर पर डाला जा रहा है, ये तमाम जो कंपनीज की नाअहली है उसका आप वसूल जो है अवाम से क्यों कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान ने तो कहा था कि मैं मुल्क की खुशहाली के लिए गवर्नमेंट में आना चाहता हूं, और ये सब जो मुखालिफ पार्टियां हैं ये चोर और डाकू है, और लोगों को ये उम्मीद दिलाई थी कि मैं इक्तदार में आकर आपको रिलीफ दूंगा। और उन्होंने ये कहा था कि अगर महंगाई हो तो समझो कि हुक्मरान चोर है। अगर तो अब इनको बताना चाहिए ना कि ये हुक्मरान चोर है इसीलिए महंगाई हो रही है। और ये आपने एक सिर्फ नेप्रा की बात की है, जिस भी डिपार्टमेंट को खोलेंगे तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी गिरी हुई है, इन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी ही नहीं है, लोगों का जीना उन्होंने मुश्किल बना के रखा हुआ है। जब भी ये किसी मुश्किल में फंसते हैं, इनकी फाइनेंशियल टीम, इनकी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट टीम है वो कोई वर्क नहीं कर रही है, IMF के जो एजेंडा है उनको पूरा करना है, ये किसी तरह से अपने टैक्स कलेक्शंस नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा लोड आम लोगों पे डाल रहे हैं। ये जो मुल्क में महंगाई हुई है उसका पूरा का पूरा जो है, लेकिन ये पाइलअप क्यों हुआ, ये वजूहात क्या है इस पाइलअप की? हम यहाँ पर शौकत बसर साहब आपकी जानिब आएंगे, हम इसको समराइज कर देते हैं आपको। ये जो नेप्रा की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो आपकी चारों पावर जनरेशन है, जेनकोज है,
उनकी जानिब से 64 बिलियन रुपीस का नुकसान जो है वो दिया गया है और साथ साथ 9.37 बिलियन यूनिट जो बिजली के थे वो भी पैदा नहीं हुए। और ये जो प्रोडक्शन कंपनीज है, जैसे कि हमने आपको भी बताया, हमने सालों के हिसाब से 2016 और 2018 में जो टारगेट्स थे वो पूरे नहीं होते। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप जो कंपनीज की नाअहली है वो आप अवाम के सर पर क्यों डाल रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक और गुजारिश करूंगा, दोनों भाइयों ने बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि इनको वो कहते हैं ना चोर मचाए शोर, और दूसरा कहते हैं कि बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म आ जाने की गल है। इनको इनको तो करप्शन पे बात करनी चाहिए, लोगों कौम को तरीके बताने चाहिए कि पैसा किस तरह कमाया जाता है, कमीशन किस तरह लिया जाता है, दिहाड़ी किस तरह लगाई जाती है, और वो गोले वाला हो, पापड़ वाला हो, टीटी वाला हो, लंदन से आपके पैसे आए जलजला ददगान के, वो किस तरह उनमें से माल खाना है। तो मेरे ख्याल में इनको गवर्नेंस पे इन चीजों में बात नहीं करनी चाहिए। इनका तो जो वतीरा है, जो तरीकाकार है, अगर ये इतने अच्छे होते तो मैं तो फिर कह रहा हूँ ये अमीर से अमीर तर हो गए, पाकिस्तान कैसे गरीब हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, अब फिर मैं उस बात पे आऊंगा। लेकिन गुजारिश ये है नीलम कि ये जो इशू है महंगाई वाला और ये बिजली वाला बार बार आप उठा रही है, इसके ऊपर बाकायदा मैं समझता हूँ महकमे को भी, महकमा भी जवाबदेह है कि जो प्रॉपर रिकवरीज नहीं हो रही है, जो प्रॉपर इस वक्त जो जो इश्यूज बने हुए हैं उसके लिए लाइन लॉसेस भी है, तो मेरा ख्याल में उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों भी इसका भी नोटिस लिया था, वो तो हमारे एंड पे है, हमने इसको हर सूरत देखना है। लेकिन ये जो बिजली वाला महंगाई वाला मामला है या बिजली के रेट्स बढ़े हैं, ये जो कॉन्टिन्यूटी है, ये पिछले अदवार में जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जो महंगे महंगे कर्जे लिए गए, जिस तरह बिजली लगी वो उससे इशू आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने, आप देख लीजिए कि हमें इन चीजों का एहसास है कि आवाम परेशान है, हमने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया, यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया, लोन प्रोग्राम लॉन्च किया, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। हमेशा लोगों को, आप जो आज तो लोग जो गरीब हुए हैं, ये तो दोनों पार्टियां जो बैठी हैं, ये पाकिस्तान है जहाँ ये सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे आपकी हुकूमत हो या गुज़िश्ता हुकूमतें हो, जो असल मसला है वो आवाम के सामने है कि इस वक्त 24 बिलियन रुपए जो है वो आपने उसका बोझ आवाम के ऊपर डाल दिया है इस नई प्राइस हाइक के बाद। बहरहाल मूविंग ऑन, हम नीलम जी आप अगर क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। जी मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, इन्होंने कहा कि हमें आवाम के ये जो मुश्किलात उनका एहसास है, उसका एहसास करते ही तो उन्होंने एक बार फिर कीमतें बढ़ाई है बिजली की। और दूसरी बात यह कि आपको याद है कि कंटेनर पे खड़े होकर 126 दिन के धरने के दौरान इमरान खान साहब जब गैस और बिजली के बिल जलाते थे तो उस वक्त क्या रेट थे बिजली के और उस वक्त बिल कितने आते थे और आज कितने आ रहे हैं। यह है कि शुक्र है कि अपोजिशन कायदीन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि इमरान खान को फॉलो नहीं किया, किसी ने कौम को लाकानूनियत पे नहीं उकसाया, किसी को सिविल नाफरमानी पे नहीं उकसाया, किसी ने गैस और बिजली के बिल जलाने के पे नहीं उकसाया, किसी ने ये नहीं कहा कि आप बिल ना अदा करें, आप टैक्स ना अदा करें, आप ये ना करें वो ना करें, किसी ने ना कानून को हाथ में लिया ना लाकानूनियत पे उकसाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि अपोजिशन ने जिम्मेदार होने का सबूत दिया है। ऑलराइट, हम यहाँ पर मूविंग ऑन, एक और इंतहाई अहम इशू पर बात करना चाहेंगे, हमारे शो का वक्त भी खत्म होने जा रहा है। शौकत बसरत साहब आपके पास 10 सेकंड है, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, फिर हमें इस इशू पर भी आना है। चीमा साहब मुझे बड़ा इनसे प्यार है, ये मासूम आदमी है, अभी पॉलिटिक्स में है, इनको आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी जो लीडर है उनकी वारदातों का अंदाजा होगा तो मुझे यकीन है, क्योंकि हमेशा चीमा साहब जो है ना वो बात कर जाते हैं दिल की। अभी तक इनको यही नहीं पता कि उन्होंने माल बनाया किस तरह है, माल कमाया किस तरह है। और ये जो आपको गुस्से में इनको देख रहे हैं ना, मुझे पता है जब बंदे का लीडर नस जाता है ना, जब भाग जाता है, जब दौड़ लगा जाता है इनको बियारों मददगार छोड़कर, तो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन तो होगी। इसलिए अभी ये जब सारी चीजें भी इनके सामने आ जाएंगी, अभी लीडर की फ्रस्ट्रेशन भी है। हाँ, हमारी नजर रहेगी कि किस हद तक आपकी हुकूमत शौकत बसरा साहब जो है कोई डिफरेंस जो है वो करती हुई नजर आएगी इन तमाम मामलात को लेकर। फिलहाल तो बिजली हो या गैस हो या पेट्रोल हो या सब्जियां हो या फल हो, अवाम इस वक्त मुश्किल में नजर आ रही है इन तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को लेकर। मूविंग ऑन, एक और इंतहाई अहम मामला जो कि इस वक्त जो है सामने आ रहा है वो लाहौर में जो स्मॉग का इशू है वो बढ़ता जा रहा है। और लाहौर इस वक्त अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर ली जाए तो 270
29 के साथ दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ चुका है। पिछले साल की नस्बत अगर कंपेयर किया जाए तो इस साल स्मॉग के बढ़ने में जो है शिद्दत आई है। अब सवालात ही उठाए जा रहे हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब ये मसला आया था तो क्या उस वक्त ईंटों के भट्टों पर और या जो फसलें जलाने क्रॉप बर्निंग होती है उस पर पाबंदी आयद करने से इस मसले पर जो है काबू पाया गया था और फिर फैक्ट्रीज को भी कुछ अरसे के लिए बंद किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसे किसी किस्म के कोई इकदाम जो है वो देखने में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये मेजर्स लेने में कोताही नजर आती है जिसकी वजह से जो लाहौर के स्पेशली रेजिडेंट्स हैं उनकी एयर क्वालिटी इस हद तक बुरी हो चुकी है कि रेस्पिरेटोरी जो इश्यूज हैं छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक वो उनमें कॉमन वो बीमारियां पैदा हो रही है। मैं यहां पर शौकत बसर साहब ये सवाल लेकर आपकी जानिब आऊंगी कि क्या वजह है मौजूदा हुकूमत की जानिब से क्या स्मॉग को लेकर इस साल जो प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाई जाती थी हर साल क्या उसमें कोई कोताही हुई है जिसकी वजह से हम ये हाइक देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। देखिए एक बात तो हकीकत है कि लाहौर में इस वक्त जो पोल्यूशन के हालात हैं जो इस वक्त दूसरी सिचुएशन है वो भी वाकई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए जहां तक हुकूमत के मामले होते हैं वहां वहां अवेयरनेस भी कौम को भी होनी चाहिए, लोगों भी होनी चाहिए, उनको भी कॉपरेट करना चाहिए। जिस तरह की फिजा बनी हुई है उसके लिए खासतौर पर ये स्मोक वाला जो मामला है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुदरती हैं और अल्लाह की तरफ से आ जाती हैं। और ये स्मोक भी आपको पता है कि हम लास्ट ये भी नहीं है चार पांच छह साल हो गए हैं हर जब ये सीजन आता है उसमें स्मोक आती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे डेंगू का इशू आपको याद है कि आज से पांच सात साल पहले जब आया अभी भी उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो सका, इस दवा भी हमें काफी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके लिए हुकूमत काफी फैसले लिए, आज भी पंजाब कैबिनेट की मीटिंग ली है उसके लिए पूरा प्लान चार्कआउट किया गया है ताकि हम क्विकली अगर यहाँ पर सेनेटर ज्ञान चंद साहब का राय ले लूं। सेनेटर ज्ञान चंद साहब हम अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कराची की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहीं किसी काफी हद तक बेटर है लाहौर से, तो इसमें लाहौर के मामले को अगर लेकर आएं या पंजाब को ले आएं तो क्या ये जो हर साल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए थी, क्रॉप बर्निंग हो जाती है, ईंटों के भट्टे होते हैं, फसलें जलाने के जो मामला होता है इस पर पाबंदी आयद की जाती थी, क्या आपको लगता है कि लाहौर में जो इस वक्त हालात है कुछ दिन तो ऐसे भी गुजरे हैं कि 800 तक गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर, 800 जो कि इंतहाई हैजर्डस से भी आगे चला जाता है, तो इसमें आपको लगता है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत का फेलियर नजर आ रहा है या जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने शायद सड़कें बनाकर और जो डिफॉरेस्टेशन का मामला हुआ है पंजाब में ये उसके अमाल जो है वो अब हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए मैं समझता हूं कि एक तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसकी वजह से काफी वक्त से ये एयर क्वालिटी का या जो स्मोक का है ये मसला चलता आ रहा है। लेकिन लास्ट ईयर से अब तक इन गवर्नमेंट ने खासतौर पे पंजाब की गवर्नमेंट कोई मेजर्स नहीं लिए हैं, हालांकि कराची जो है वो बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है नस्बतन लाहौर के, लेकिन जब आप उस किस्म के कोई मेजर्स नहीं लेंगे। इमरान खान तो बड़ी बातें करते हैं कि मैंने कोई ये ट्रीज की सुनामी लाई है, सुनामी नाम ही नुकसान का है, सुनामी लोगों की परेशानियां पैदा करती है। जब से इमरान खान आए हैं तो हर चीज में जो बढ़ोतरी आई है उस वजह से उस सुनामी से लोगों को आवाम को नुकसान हुआ। ये क्लाइमेट चेंज का हो, ये आम चीजों की महंगाई का हो, ये दवाइयों की महंगाई का हो, ये कर्जों की भरमार हो, तो इनके वक्त में कोई अच्छी खबर तो आ ही नहीं है। इनकी वहां पे मिसमैनेजमेंट है, जो कंट्रोल करने के एफर्ट्स लिए जा रहे थे वो खत्म हो चुके। गुज़िश्ता पूरे साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि बोझदार गवर्नमेंट ने जाकर कहीं पे भी भट्ठों को बंद करने की कोशिश की हो, एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए कोई गाड़ियों पे जो चेक रखा जा रहा था उसको दे गया हो, इंडस्ट्रीज बढ़ बात यह है कि ये मियां शहबाज शरीफ के दौर में इस तरह का कोई मसला आता था डेंगू हो या ये स्मोग हो तो उनका फौरी रिएक्शन ये होता था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए उस मसले पे काबू पाया जाता था। हमने करके दिखाया, इनके दौर में जब भी इस तरह का मसला आया तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारी नायलियोबाद इंतजामी का मलबा पिछली हुकूमतों पे डाला है। असल इसका हल ये है कि ये पॉलिटिकल स्मोक के का जो बायस बन रहे हैं ये नायर हुक्मरान, जब तक इनसे निजात नहीं हासिल होती मेरा ख्याल है कि इस तरह के मसले जो हैं इन पर हम काबू पाने में नाकाम रहेंगे।
بہت بہت شکریہ نثار احمد صاحب، سینیٹر گیان چند صاحب اور شوکت بسرا صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے کہ کل تمام سکول جو ہیں وہ بند ہیں لاہور میں اس اسموگ کی وجہ سے، اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس کے نمبرز ابھی تک کے سامنے ہیں وہ 279 ہے، جبکہ یہ ایسے دن بھی گزرے ہیں جب یہ نمبرز 800 تک گئے ہیں. انفارچونیٹلی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بجلی، گیس اور پیٹرول، سبزی، پھل تو مہنگے ہو ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ کو ایئر کوالٹی چاہیے سانس لینے کے لیے، اس وقت فی الحال لاہور کے ریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس سے بھی ڈپرائیو نظر آ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ پریکاشنری میجرز جو ہیں وہ اٹھاتے ہوئے ہمیں نظر آئے پنجاب حکومت. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.